यक नाबुद वयक नस्ताइन। आज का पहला सवाल, किस नमाजी की नमाज उसके लिए तबाही है? आपके पास ऑप्शन है, नमाज में रियाकारी करने वाला, झूठ बोलने वाला, सूद खाने वाला या नशा करने वाला। सही जवाब है, नमाज में रियाकारी करने वाला। सबसे पहले कोड़े की सज़ा किस खलीफा ने दी थी? ऑप्शन है, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। सही जवाब है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। अगला सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी आती तो आप क्या करते थे? ऑप्शन है, रोज़ा रखते थे, तिलावत करते थे, नमाज पढ़ते थे या अल्लाह ताला का जिक्र करते थे। सही जवाब है, नमाज पढ़ते थे। खतना करने की सुन्नत किस नबी से जारी हुई थी? ऑप्शन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही जवाब है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अगला सवाल है, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को कितनी ज़बानें आती थीं? ऑप्शन है, 10, 15, 50 या 72। सही जवाब है, 72। वो कौन सा शहर है जहां कोई भी फकीर नहीं है? ऑप्शन है, इस्लामाबाद, इटली, जापान या लंदन। सही जवाब है, टोक्यो, जो कि जापान में मौजूद है। क़यामत के करीब किस मुल्क से आग निकलेगी? ऑप्शन है, मिस्र, यमन, भारत या फलस्तीन। सही जवाब है, यमन। पहली बार शराब किस नबी के ज़माने में बनाई गई थी? ऑप्शन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही जवाब है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। वो कौन सा जानवर है जो आसमान की तरफ मुंह नहीं करता? ऑप्शन है, बिल्ली, बैल, गाय या हाथी। सही जवाब है, बैल। किस नबी ने 80 साल की उम्र में अपना खतना खुद किया था? ऑप्शन है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम।
सही जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्या क़यामत के दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हिसाब होगा? ऑप्शन है नहीं होगा, हाँ जी होगा, बस थोड़ा सा होगा, या मालूम नहीं। सही जवाब है नहीं होगा। वो कौन से लोग हैं जिनकी नमाज में कोई रकू नहीं? ऑप्शन है फरिश्ते, जिन्नात, यहूदी या ईसाई। सही जवाब है यहूदी। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने शहादत के लिए दुआ मांगी थी? ऑप्शन हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम या हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम। सही जवाब है हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम। किस मुल्क के बादशाह ने अपने खून से एक किताब लिखी थी? ऑप्शन हैं मिस्र, जापान, तुर्की या भारत। सही जवाब है जापान। क्या किसी इंसान की वफात की इत्तला देना जायज़ है? ऑप्शन है जायज़ है, जायज़ नहीं है, मकरूह है या मना है। सही जवाब है जायज़ है। किस सहाबी ने सबसे लंबी उम्र पाई थी? ऑप्शन है हज़रत हिसान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो या हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। सही जवाब है हज़रत हिसान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। किस औरत के राज बताने वाला महशर में सख्त अज़ाब में होगा? ऑप्शन है नंद के, चाची के, बीवी के या खाला के। सही जवाब है बीवी के। किस मुल्क में कोई रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन है इटली, रोम, दमिश्क या अफगानिस्तान। सही जवाब है अफगानिस्तान।